सीता दीदी, आपसे मेले में मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने डिजिटल डिवाइसों के बारे में वास्तव में बहुत कुछ सीखा है। धन्यवाद रोहन, ये मेरे लिए खुशी की बात है। मैं जानता हूँ कि इंटरनेट आजकल बहुत उपयोगी है। मेरी इच्छा है कि आप मुझे इंटरनेट के विषय में और सिखाने के लिए कुछ और समय निकाले। मैं देखती हूँ, मैं कल खाली हूँ, कल मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी और इंटरनेट के बारे में सिखाऊंगी। वाह, ये आपकी महानता है। निश्चित रूप से मैं अपने घर पर आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं। हाय दीदी, कृपया अंदर आइए। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे घर आई। मैंने वादा किया था, अब मुझे अपना कंप्यूटर दिखाओ। दीदी, आपने कहा था कि आजकल लगभग सभी जगह कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है और यह हमारे जीवन को और आसान बना देता है। क्या आप मुझे इंटरनेट के बारे में और अधिक बता सकती हैं? बिल्कुल रोहन, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आज यहाँ हूँ। पहले मुझे यह समझाने दीजिए कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट विश्वव्यापी नेटवर्क है जो संसार भर के करोड़ों कंप्यूटरों को जोड़ता है। इंटरनेट विश्व भर के लोगों को संचार करने तथा सूचनाओं व आंकड़ों का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। इंटरनेट के द्वारा आप कोई सूचना या संदेश सेकंडों में दुनिया भर में कहीं भी भेज सकते हैं। मुझे इंटरनेट के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में बताने दीजिए। इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों उपयोग हैं, उनमें कुछ हैं। संचार के मामलों में इंटरनेट का प्रयोग ईमेल के द्वारा संदेश भेजने व प्राप्त करने में होता है। इंटरनेट विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी की उपलब्धता के विषय में सूचनाएं प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। लोग भावी नौकरी के लिए अपना संक्षिप्त जीवन वृतांत ऑनलाइन भेज सकते हैं। दुनिया भर में संग्रहित किताबें व अन्य अध्ययन सामग्री इंटरनेट के माध्यम से आसानी से खोजी जा सकती है। नवीनतम विश्वकोश ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इंटरनेट हमें स्वास्थ्य व दवाई के क्षेत्र में बहुत जानकारी प्रदान करता है। लोग विभिन्न रोगों के बारे में जान सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी इंटरनेट का प्रयोग पर्यटन स्थलों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में कर सकता है। इसका प्रयोग छुट्टियों की यात्रा, होटल, ट्रेन व हवाई जहाज के आरक्षण में कराया जा सकता है। इंटरनेट का प्रयोग कर ऑनलाइन खरीदारी भी की जा सकती है। मात्र खाते का विवरण उपलब्ध कराकर आप लेन देन कर सकते हैं। आप अपने बिलों का भुगतान व बैंक संबंधी लेन देन भी इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं। दीदी, हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कैसे प्राप्त करें? इंटरनेट जोड़ने के लिए हमें कुछ यंत्र व नेटवर्क सेवा प्रदाता की आवश्यकता होती है। इंटरनेट जोड़ने के कुछ तरीके हैं, डायल अप कनेक्शन, एकीकृत डिजिटल सेवा नेटवर्क, इंटरनेट का सीधा उपयोग, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन इंटरनेट को जोड़ने के लिए टेलीफोन लाइन का प्रयोग करता है, कंप्यूटर मॉडेम का प्रयोग करता है और घर की फोन लाइन को इससे जोड़ता है। इंटरनेट सेवा प्रदाता के मॉडेम के लिए एक कॉल की जाएगी और लिंक इंटरनेट का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। यह इंटरनेट से जुड़ने का पहला तरीका है। एकीकृत डिजिटल सेवा नेटवर्क INSDN। INSDN डायल अप कनेक्शन की ही तरह है, लेकिन यह डिजिटल फोन लाइन के माध्यम से संपर्क उपलब्ध कराता है। यह इंटरनेट व फोन के एक ही समय उपयोग करने की अनुमति देता है। इसका प्रयोग करने के लिए आपको एक बाहरी मॉडेम की आवश्यकता होगी। INSDN सार्वजनिक टेलीफोन नेटवर्क पर व्यापक बैंडविड्थ के डिजिटल सेवा नेटवर्क प्रसारण को सक्षम बनाता है, जिसका अर्थ है कि एक समय में अधिक डेटा भेजा जा सकता है। इंटरनेट कनेक्शन को डायल करने या इंटरनेट में प्रवेश करने अथवा किसी अन्य नेटवर्क की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह प्रस्तावित सेवाएं स्थायी बैंडविड्थ की उपलब्धता व कम विलंबता को सुनिश्चित करता है। केबल इंटरनेट की तरह DSL या ब्रॉडबैंड उच्च गति इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है। DSL तकनीक एक ही फोन लाइन पर इंटरनेट व बातचीत की सेवाएं बिना किसी एक को काटे एक साथ उपयोग करने की अनुमति देता है। DSL इंटरनेट सेवाओं का प्रयोग
मुख्यतः घरों व छोटे व्यापारिक संस्थानों में होता है। डीएसएल इंटरनेट सेवाएं केवल एक छोटे भौतिक दूरी तक ही काम करते हैं और जिन क्षेत्रों में स्थानीय टेलीफोन का बुनियादी ढांचा डीएसएल तकनीकी को सहारा नहीं देता वहां काम नहीं करता है। इंटरनेट से जोड़ने के लिए आपके कंप्यूटर में 3 आधारभूत तत्वों का होना आवश्यक है, मॉडम, इंटरनेट सेवा प्रदाता और ब्राउजर। मॉडम एक यंत्र है जो कंप्यूटर का डाटा प्राप्त करने व भेजने की अनुमति प्रदान करता है। यह यंत्र कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। इंटरनेट सेवा प्रदाता या ISP एक कंपनी है जो इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराती है। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो कि सूचनाओं को खोजता है, प्रस्तुत करता है और संचालित करता है। कुछ लोकप्रिय ब्राउजर हैं मोज़िला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी। आप इंटरनेट से जुड़ने के लिए तार अथवा बेतार तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर जो बेतार तकनीक का समर्थन करते हैं उनमें वाईफाई कार्ड होता है। वाईफाई कार्ड कंप्यूटर और नेटवर्क के मध्य बेतार संचार को सक्षम बनाता है। मेरे कुछ दोस्तों के पास मोबाइल पर इंटरनेट की सुविधा है, कोई मोबाइल पर इंटरनेट की सुविधा कैसे प्राप्त कर सकता है? मोबाइल पर इंटरनेट सुविधा प्राप्त करने के लिए आपको निम्न चीजों की आवश्यकता होती है। एक मोबाइल जो इंटरनेट का समर्थन करता हो, एक मोबाइल फोन सेवा जो डेटा संचरण का समर्थन करती हो। फोन पर इंटरनेट सेवाएं प्राप्त करने के लिए डेटा सेटिंग के साथ मोबाइल सेवा प्रदाता से खाता। 2G, 3G व 4G नेटवर्क का प्रयोग। 2G, 3G व 4G में जी जेनरेशन अर्थात पीढ़ी को दर्शाता है। जी के पहले की उच्च संख्या अधिक सूचनाएं भेजने व प्राप्त करने की उच्च क्षमता दर्शाती है, अर्थात तार रहित नेटवर्क के माध्यम से उच्च दक्षता प्राप्त करने की क्षमता। 2G नेटवर्क संकीर्ण बैंड नेटवर्क पर आधारित होते हैं। सिग्नल डिजिटल प्रारूप में संचरित किए जाते हैं जो नाटकीय रूप से कॉल की गुणवत्ता में सुधार व संचार की जटिलताओं में कमी लाते हैं। 3G तीसरी पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क लोकप्रिय हो गया है। इसने उपयोगकर्ताओं को मोबाइल फोन व टैबलेट पर इंटरनेट प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। 3G नेटवर्क पर डेटा संचरण की गति 384 kbps से 2 mbps होती है। 3G नेटवर्क पर अधिक डेटा संचरण की अनुमति देता है, अतः यह वॉइस और वीडियो कॉल, फाइल संचरण, इंटरनेट सर्फिंग, ऑनलाइन टीवी, उच्च परिभाषा वीडियो, खेल खेलने के लिए सक्षम है। 3G उन उपयोगकर्ताओं के लिए अच्छा विकल्प है जो हमेशा इंटरनेट से जुड़े रहना चाहते हैं। 4G चौथी पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क के बारे में विश्वास किया जाता है कि यह भविष्य में और बहुत सारी मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध कराएगा। सभी 3G की सुविधाओं के साथ साथ यह डेटा संचरण को 1 Gbps से 100 mbps के मध्य पूर्ण करने वाला माना जाता है। क्या आप मुझे दिखा सकती हैं कि मेरे मोबाइल में इंटरनेट कैसे सेट किया जा सकता है? बिल्कुल रोहन, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कीपैड मोबाइल व एंड्रॉयड मोबाइल में इंटरनेट कैसे सेट करते हैं। सावधानी से निम्न पदों का अनुसरण करो। कीपैड आधारित फोनों में इंटरनेट का प्रयोग। पहले मेनू का चयन करें, फिर इंटरनेट अब होम पेज खोलने के लिए या तो होम का चयन करें, अन्यथा होम स्क्रीन पर 0 को दबाकर रुकें। आगे वेब पता दर्ज करने के लिए गो टू एड्रेस ढूंढें और पता दर्ज कर ठीक चुनें। इसके बाद वेब पता दर्ज करने के लिए पते पर जाने का चयन करें और ठीक चुनें। और फिर वेब खोजने के लिए खोज शब्द को दर्ज करें और फिर खोज का चयन करें। सेवा से जुड़ने के बाद आप ब्राउजिंग शुरू कर सकते हैं। वाईफाई सेटिंग देखने के लिए सेटिंग पर जाएं, सेटिंग व कनेक्टिविटी का चयन करें, फिर वाईफाई का चयन करें। जिस कनेक्शन से आप जुड़ना चाहते हैं उसका चयन करें। यदि आवश्यक हो तो पासवर्ड दर्ज करें। एंड्रॉयड फोनों में इंटरनेट सेट करने के लिए सबसे पहले एंड्रॉयड स्मार्टफोन व टैबलेट की सेटिंग मेनू पर खिसकें। यह किसी एंड्रॉयड यंत्र पर
ऐप मेन्यू के सेटिंग आइकन के माध्यम से और कभी कभी नोटिफिकेशन बार से किया जा सकता है। अब सेटिंग्स मेन्यू में आप बेतार और नेटवर्क सेटिंग्स ढूंढें। ज्यादातर यंत्रों में अधिक या अधिक सेटिंग्स जो बटन उपलब्ध हो को चुनें। अब यदि आप बेतार व नेटवर्क सेटिंग्स पर पहुंच जाते हैं तो आप दो तरीकों से जोड़ सकते हैं, मोबाइल इंटरनेट, वाईफाई। मोबाइल से इंटरनेट को जोड़ने के लिए या तो आप नोटिफिकेशन को नीचे खींचकर मोबाइल डाटा विकल्प चुन सकते हैं, अथवा आप वायरलेस और नेटवर्क सेटिंग्स विकल्प में मोर सेटिंग्स विकल्प चुन सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नेटवर्क बटन पर क्लिक करें, जहां पर मोबाइल डाटा चेकबॉक्स पर चेक करेंगे। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फोन मोबाइल इंटरनेट से जुड़ जाएगा। एंड्रॉइड फोनों में भी वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है, दीदी उसे किस प्रकार जोड़ेंगे? बड़ी आसानी से मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम कैसे वाईफाई सेवाओं से जुड़ोगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन मेन्यू में उपलब्ध मोबाइल वाईफाई विकल्प को चुनोगे। अब आपको उपलब्ध इंटरनेट नेटवर्कों की सूची दिखाई देगी। यदि आपके पास वाईफाई नेटवर्क का विकल्प चुना हुआ है तो यह अपने आप नेटवर्क से जुड़ जाएगा, अन्यथा आपको वह वाईफाई नेटवर्क चुनना पड़ेगा जिसे आप जोड़ना चाहते हैं। यदि पासवर्ड की आवश्यकता हो तो उसे दर्ज करें और कनेक्ट पर क्लिक करें। मोबाइल ब्रॉडबैंड तकनीक, जिसे वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, जो मोबाइल इंटरनेट से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है। मोबाइल ब्रॉडबैंड का प्रयोग करने के लिए आपको एक डाटा कार्ड और एक डाटा प्लान के साथ मोबाइल ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदाता की आवश्यकता होती है। आप अपना उपकरण और डाटा प्लान प्राप्त करने के बाद सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम और सिम के लिए मोबाइल ब्रॉडबैंड सुविधा का चालू होना सुनिश्चित करें, जिसके चालू होने की सूचना आपको आपका मोबाइल प्रचालक अथवा उपकरण विक्रेता देगा। प्रथम बार ब्रॉडबैंड सुविधा संयोजित करने के लिए निम्न पदों का अनुसरण करें। नोटिफिकेशन एरिया में नेटवर्क आइकॉन पर क्लिक करके नेटवर्क से जोड़ने का विकल्प खोलें। अपने फोन के मोबाइल ब्रॉडबैंड पर राइट क्लिक करें, तत्पश्चात कनेक्ट पर क्लिक करें। यदि कहा जाए तो एक्सेस पॉइंट का नाम या एक्सेस स्ट्रिंग उपयोगकर्ता का नाम व पासवर्ड टाइप करें। यदि आप किसी ऑटो कनेक्ट सेटिंग को बदलना चाहते हैं तो उसे बदलें, फिर जारी रखें पर क्लिक करें। ब्रॉडबैंड का प्रयोग करके इंटरनेट संयोजित करने के लिए नोटिफिकेशन एरिया में नेटवर्क आइकॉन पर क्लिक करके नेटवर्क से जोड़ने का विकल्प खोलें। अपने मोबाइल ब्रॉडबैंड के नाम पर क्लिक करें, फिर कनेक्ट पर क्लिक करें। यदि आवश्यक हो तो अपने फोन के मोबाइल ब्रॉडबैंड पिन टाइप करें, फिर एंटर दबाएं। ब्रॉडबैंड का प्रयोग करके इंटरनेट वियोजित करने के लिए नोटिफिकेशन एरिया में नेटवर्क आइकॉन पर क्लिक करके नेटवर्क से जोड़ने का विकल्प खोलें। अपने मोबाइल ब्रॉडबैंड के नाम पर क्लिक करें, फिर डिस्कनेक्ट पर क्लिक करें। मैंने सुना है कि कोई भी अपने स्मार्टफोन को लैपटॉप से जोड़ सकता है, क्या ये सही है दीदी? हाँ बिल्कुल रोहन, तुम स्मार्टफोन को लैपटॉप से जोड़ सकते हो। स्मार्टफोन व लैपटॉप को जोड़ने या टेथरिंग पर आपका स्मार्टफोन वास्तव में वाईफाई हॉटस्पॉट में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कि आपका लैपटॉप एक्सेस कर सकता है। एंड्रॉइड फोन टैबलेट को लैपटॉप से जोड़ने के लिए निम्न पदों का अनुसरण करें। पहले वायरलेस और नेटवर्क सेटिंग मेन्यू पर जाएं। कुछ फोनों में वायरलेस हॉटस्पॉट बनाने के लिए एप्स मेन्यू में ऐप होते हैं। अब जोड़ने वाले वहनीय हॉटस्पॉट या इसी तरह के किसी विकल्प पर क्लिक करें। आगे वहनीय हॉटस्पॉट या इसी तरह के किसी विकल्प को चालू करो और नेटवर्क का नाम सेट करो और अथवा पासवर्ड सेट करो। तब दाएं हाथ पर सबसे नीचे दिए हुए वायरलेस नेटवर्क को वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से अपने लैपटॉप के नेटवर्क से जोड़ें। इंटरनेट के बारे में सीखना दिलचस्प नहीं था? अब हम लोग मजेदार गतिविधि में भाग लेंगे। दीदी क्या आप जानती हैं कि हम इंटरनेट पर कुछ ढूंढते समय हाइपरलिंक के सामने www क्यों लिखते हैं? www का अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब,
मैंने इसके विषय में बहुत सुना है, क्या आप इसके बारे में और बता सकती हैं? जरूर रोहन, मैं बताती हूँ कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW वर्ल्ड वाइड वेब का प्रतीक है। वर्ल्ड वाइड वेब में वेब उपसमुच्चय है, न कि उसका पर्याय। वेब पन्नों से मिलकर बनता है जिन तक वेब ब्राउजर का उपयोग कर पहुंचा जा सकता है। टेलनेट, FTP, इंटरनेट जुआ, इंटरनेट रिले चैट, IRC और ईमेल सभी इंटरनेट का अंग हैं। लेकिन यह सब वर्ल्ड वाइड वेब का अंग नहीं है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक विधि है जिसका प्रयोग वेब पन्नों को आपके कंप्यूटर को स्थानांतरित करने में किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट के साथ शब्द या वाक्यांश दूसरी वेबसाइट के साथ संपर्क बनाए रख सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के अंग हैं वेब सर्वर, वेब ब्राउजर, वेब पेज, वेबसाइट, वेब एड्रेस। वेब सर्वर एक पद्धति है जो इंटरनेट पर अंतिम उपयोगकर्ता तक विषय वस्तु या सेवाओं को उपलब्ध कराता है। वेब सर्वर्स वे कंप्यूटर हैं जो वेब पेजों को उपलब्ध कराते हैं। प्रत्येक वेब सर्वर का एक IP पता व डोमेन नाम होता है। उदाहरण के लिए यदि आप अपने ब्राउजर में दर्ज करते हैं कि url://www.google.com/index.html, यह एक वेब सर्वर जिसका डोमेन नाम google.com को निवेदन भेज देता है। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है जिनका प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर ढूंढने, पुनर्प्राप्त करने, विषय वस्तुओं को प्रदर्शित करने में होता है। इसके अतिरिक्त इसमें वेब फोटोएं, वीडियो व अन्य फाइलें आती हैं। जैसे कि ग्राहक सेवक मॉडल, कंप्यूटर पर चलने वाला वेब ब्राउजर एक ग्राहक है जो वेब सर्वर से संपर्क कर सूचना के लिए निवेदन करता है। वेब सर्वर सूचनाएं वापस वेब ब्राउजर को भेज देता है जो परिणामों को कंप्यूटर पर दर्शाता है अथवा उन डिवाइस पर दिखाता है जो ब्राउजर को सहारा देते हैं। वेब पेज वह है जिनसे वर्ल्ड वाइड वेब बनती है। यह दस्तावेज HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भाषा में लिखे जाते हैं और आपके ब्राउजर के द्वारा अनुवादित किए जाते हैं। वेब पेज या तो स्थैतिक अथवा गतिक हो सकते हैं। स्थैतिक पृष्ठ प्रत्येक बार खोले जाने पर एक ही विषय वस्तु दर्शाते हैं। गतिक पृष्ठ प्रत्येक बार खोले जाने पर अलग अलग विषय वस्तु दर्शाते हैं। ये पृष्ठ आदर्श रूप से भाषा जैसे PHP, पर्ल, ASP या JSP में लिखे जाते हैं। वेबसाइट पृष्ठों का संकलन है। एक वेब पेज एक पृथक HTML दस्तावेज है। वेबसाइट एक दूसरे से संबंधित पृष्ठों का संकलन है। सामान्यतः यह या तो एक ही विषय पर या आपस में बहुत ही मिलते जुलते विषयों पर होते हैं। वेबसाइट खोलने पर जो पहला पन्ना दिखाई पड़ता है उसे होम पेज कहते हैं। वेब पता पते की ऐसी पंक्ति है जिसमें एड्रेस प्रोटोकॉल, डोमेन नेम तथा फाइल पाथ होता है। सामान्यतः इंटरनेट पर इसका प्रयोग वेब पृष्ठ, चित्र या अन्य दस्तावेजों के पते का विशेष उल्लेख करने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउजर उपयोगी अनुप्रयोग हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब सूचनाओं को ढूंढने के लिए बनाए गए हैं। डाउनलोड, बुकमार्क और पासवर्ड प्रबंधन वेब ब्राउजर के सामान्य लक्षण हैं। इसमें क्रियाएं जैसे स्पेलिंग चेक, सर्च इंजन टूलबार, टैब्ड ब्राउजिंग, एडवर्टीजमेंट, फिल्टरिंग और HTML एक्सेस बटन, पॉपअप और ब्लॉकिंग होती है। अब हम विभिन्न प्रकार के वेब ब्राउजर के बारे में सीखते हैं। विभिन्न प्रकार के वेब ब्राउजर हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा, सफारी। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा तैयार किया गया और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ओरिएंटिंग सिस्टम के सहायक पैकेज के रूप में 1995 में लाया गया। यह विश्व भर में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला ब्राउजर है।
यह ब्राउजर ऑनलाइन संचालन अच्छा होने के साथ साथ त्वरित खोज की शंकाओं और गतिमान संरक्षा तकनीक के लिए भी अच्छा है। फायरफॉक्स मोजिला से प्राप्त किया गया ब्राउजर है और वह इंटरनेट पर दूसरा सबसे प्रसिद्ध ब्राउजर है। क्या आप अपने कंप्यूटर पर फायरफॉक्स का प्रयोग नहीं करती हैं दीदी? हाँ, ये वही है जो मैं अपने कंप्यूटर में प्रयोग कर रही हूँ। गूगल क्रोम गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है। यह अति सूक्ष्म आकृति को परिष्कृत तकनीक के साथ मिलाता है, जिससे वेब तेज, सुरक्षित व आसान हो जाता है। ओपेरा सॉफ्टवेयर ने 1996 में ओपेरा ब्राउजर का विकास किया। ओपेरा अन्य ब्राउजरों से छोटा है और ज्यादातर अन्य ब्राउजरों से बहुत तेज काम करने वाला है। यह तेज है और यह कीबोर्ड कई विंडो जूम फंक्शंस व अन्य के साथ आसानी से चलता है। यह जावा व जावा रहित दो रूपों में मिलता है। इंटरनेट पर आने वाले नए लोगों के लिए आदर्श ब्राउजर है। सफारी ब्राउजर एप्पल आईएनसी द्वारा विकसित किया गया है और मैक ओएस एक्स में शामिल है। यह सबसे पहले जनवरी 2003 में पब्लिक बीटा के नाम से जारी किया गया था। यह वेब ब्राउजर सभी नवीनतम तकनीकों जैसे XHTML, CSS2 आदि का समर्थन करता है। दीदी, अब मुझे दिखाइए कि वेब ब्राउजर कैसे खोले। ठीक है रोहन, वेब ब्राउजर खोलने के लिए निम्न पदों का अनुसरण करो। स्टार्ट बटन पर क्लिक करो, ऑल प्रोग्राम पर जाओ और किसी एक ब्राउजर पर क्लिक करो। ब्राउजिंग विंडो दिखेगी। सामान्यतः वेब ब्राउजर निम्न में विभाजित होते हैं। टाइटल बार वेब पेज व वेब ब्राउजर का नाम दिखाता है। इसमें तीन विंडो बटन होती हैं, मिनिमाइज, रिस्टोर बटन या मैक्सिमाइज और बंद। एड्रेस बार में उस वेबसाइट का नाम अथवा URL जिसे आप खोजना चाहते हैं लिखें। इसमें गो या रिफ्रेश और स्टॉप बटन होता है। गो बटन वेब पेज या वेबसाइट को लोड करने में आपकी सहायता करता है। रिफ्रेश बटन आपको वेब पेज को पुनः लोड करने में मदद करता है और स्टॉप बटन एक्सप्लोरर द्वारा चलाए जा रहे किसी भी अनुप्रयोग को रोकने में मदद करता है। एड्रेस बार के बाईं ओर बैक व फॉरवर्ड बटन होते हैं। ये बटन आपको हाल ही में चलाई गई पीछे की और आगे की वेबसाइट पर जाने में मदद करते हैं। मेन्यू बार पर कई विकल्प होते हैं जैसे फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेट, टूल्स और हेल्प। वेब पेज क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर वेबसाइट या वेब पेज दिखते हैं। स्टेटस बार वेबसाइट वेब पेज की प्रगति या स्थिति के बारे में वेटिंग, लोडिंग या डन दिखाकर बताता है। सर्च इंजन वह वेबसाइटें हैं जिनका उद्देश्य उस वेबसाइट को ढूंढना है जिसे सूचना पाने के लिए ढूंढ रहा है, किंतु उसके पास उस वेबसाइट का विशिष्ट पता उपलब्ध नहीं है। कुछ प्रसिद्ध सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू, MSN हैं। गूगल सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन है। SEs वेब सर्फ करने के लिए जिन इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का प्रयोग करते हैं उन्हें रोबोट या स्पाइडर कहते हैं। वह www के साथ मांगी गई सूचना को ढूंढने के लिए इंटरनेट में चारों तरफ घूमते हैं। मल्टी या मेटा SE का अर्थ है कि आपके कीवर्ड को खोजने में एक से अधिक SEs लगे हैं। गूगल और बिंग इसके उदाहरण हैं। निर्देशिका वेबसाइट की डायरेक्टरी का उपयोग करती है जो कि हाथों से जांची व उनमें उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्गीकृत की जाती है। याहू डायरेक्टरी SE का उदाहरण है। सर्च इंजन इंटरनेट पर सूचना ढूंढने के औजार हैं। सर्च इंजन वेब पृष्ठों की तरह के हैं और उनको भी वेब ब्राउजर का प्रयोग कर खोलना पड़ता है। साधारणतः सर्च इंजन एक शब्द या शब्दों के समूह या विषय पर आधारित होते हैं। इन शब्दों या मुहावरों को कीवर्ड्स कहते हैं। खोज का परिणाम वेब पृष्ठों का हो सकता है।
चित्रों, सूचनाओं या अन्य प्रकार की फाइलों का हो सकता है। इन सर्च इंजनों का व्यापक रूप से प्रयोग होता है। दीदी, हम इंटरनेट पर किसी चीज को खोजने के लिए सर्च इंजन का प्रयोग किस प्रकार करते हैं? गूगल, जो कि सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला सर्च इंजन है, का प्रयोग करते हुए किसी चीज को खोजने के लिए निम्न पदों का अनुसरण करें। पहला, वेब ब्राउजर को चालू करें। तब एड्रेस बार या लोकेशन बार पर यह टाइप करें https://www.google.co.in/। मानिए यदि आप ग्रामीण भारत में स्कूलों की सूचना चाहते हैं, तो नीचे दर्शाए गए कीवर्ड टाइप करें schools in rural India। अब खोज शुरू करने के लिए सर्च बटन पर क्लिक करें अथवा एंटर बटन दबाएं। दिखाए गए लिंकों की सूची देखें, जिनके साथ प्रत्येक वेबसाइट का संक्षिप्त विवरण भी दिखेगा। सुसंगत लिंक पर क्लिक करें। यदि आप किसी और विषय पर सूचना खोजना चाहते हैं, तो सर्च इंजन के होम पेज पर जाने के लिए बैक बटन पर क्लिक करें। अब जो सूचना आप खोजना चाहते हैं, उसके कीवर्ड टाइप करें, फिर सर्च बटन पर क्लिक करें। विभिन्न वेबसाइटों के लिंक दिखेंगे। सुसंगत लिंक का चयन करें और वांछित सूचना पढ़ें। यदि आपको कोई लिंक रोचक लगे और आप उस पर दोबारा जाना चाहते हों, तो उस पेज को आप बुकमार्क बना सकते हैं। फिर ब्राउजिंग विंडो से बाहर जाने के लिए आप सबसे ऊपर दाएं कोने पर क्लोज बटन दबाएं।